हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ छत्तीसगढ़ की बेहद ही फेमस और ऑथेंटिक रेसिपी चावल के आटे की पूरियाँ, जिसे चौसेला भी कहा जाता है क्योंकि इसे चावल के आटे से बनाया जाता है। तो दोस्तों, चावल और आटे की पूरियाँ तो आपने बहुत बनाकर खाई होगी, एक बार इसे भी ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है चावल का आटा, इजली मार्केट में मिल जाता है दोस्तों। और यदि ना मिले तो चावल को अच्छे से पानी से वॉश कर ले और उसे पंखे में किसी कपड़े में डाल करके उसे हल्का सा सुखा ले। ज़्यादा उसे नहीं सुखाना है, केवल हल्का सा ही सुखाना है जिससे उसका मॉइस्चर चला जाए। उसके बाद उसे ग्राइंडर जार में डाल करके अच्छे से पीस लेना है। तो चावल का आटा हमारा रेडी हो जाएगा। और यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम चावल का आटा और इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है। और इसका आटा लगाएंगे हल्के गुनगुने गर्म पानी से। ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बस इतना कि उसमें उंगली सहन कर सके। इसे डालने से डो सॉफ्ट बनता है और पूरियाँ भी मुलायम बनती है। और चावल के आटे को जितना टाइम दे करके और अच्छे से लगाएंगे, उतनी ही अच्छी हमारी पूरियाँ फूली फूली और मुलायम सॉफ्ट बनेगी। बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह ही इसका आटा हमें लगाना है। बस लगाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से हमें छोड़ देना है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। तो देखिए, चावल के आटे अच्छे से सेट हो चुके हैं और पहले से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसकी पूरियाँ बना लेते हैं। और सबसे पहले चकला और बेलन पर ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि पूरियाँ बनाते समय वह चिपके ना उसमें और हमारी पूरियाँ अच्छे से ईजिली निकल जाए। तो छोटी छोटी लोई ले लेंगे आटे की, जिस तरह की पूरियों की साइज होती है और जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे बेलेंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी से, नहीं तो ये चारों तरफ से फट भी सकती है। बहुत सॉफ्ट होती है दोस्तों, इसलिए इसे हल्के हाथों से ही बेलना है। और देखिए, इस तरह से एक पूरिया मैंने निकाल ली है और इसी तरह से मैं दूसरी पूरी भी बना लूँगी। तो देखिए, दूसरी पूरी भी हमारी रेडी हो गई है और इसी तरह से बाकी पूरियों को भी हम बेल लेंगे। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। पूरियों को तलने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। पूरियों को डालने के बाद गैस की आंच थोड़ी धीमी कर देंगे, जिससे कि पूरियाँ ज़्यादा जले ना, क्योंकि यह चावल की पूरियाँ हैं इसलिए हम इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का गोल्डन ब्राउन होगा इसे निकाल लेंगे, जिससे कि इन पूरियों का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसी तरह से हम बाकी सभी पूरियों को भी फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ये पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, बिना किसी मोयन या तेल से, वह भी इतनी खस्ता और करारी पूरियाँ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो लीजिए, तैयार है ये गर्मा गर्म पूरियाँ, जिसे मैंने सर्व किया चने की दाल और टमाटर की चटनी के साथ। आप इसे किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ बनाकर खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, तैयार है झारखंड की ऑथेंटिक थाली। और देखिए, पूरियाँ कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है और कहीं से फटी हुई भी नहीं है। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी, और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।